सर्वबाधा प्रस्मनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमसम द्वैरी विनाशनम। नमस्कार सर, आप लोग यहाँ के, जैसा कि मालूम है, ये तरीत तो पहले के किन्हीं के जुबान पर नहीं था, लेकिन आज ये तरीत चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चर्चा का विषय, जाहिर सी बात है, ये जो तरीत का जो मटका है, तो ये क्यों चर्चा में है? तो ये सभी लोग आज के जुबान पर हो गया है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर बाबा यहाँ पर पधार रहे हैं, और जो कि उनका प्रोग्राम 13 से 17 मई के बीच में होने वाला है। तो यहाँ की तैयारियों में आप लोग का प्रमुख यहाँ पर योगदान है, तो कृपया कर आप बताएंगे अपना परिचय देते हुए कि यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था यहाँ हो रही है, और आगे आने वाले आगंतुक जो श्रद्धालु हैं तो उनके लिए क्या क्या यहाँ व्यवस्था बनी हुई है सर यहाँ पर? जी, यहाँ पे सबके लिए सब पहले तो सर पहले अपना अपना नाम बता देंगे। मेरा नाम शंकर तिवारी हुआ जी। और ये देख लीजिए आप, ये पंडाल देख रहे हैं, सब बैठे हुए व्यवस्था है यहाँ पे, है ना, देख लीजिए। और वो साइड से जो आपका बीटा सरमेरा पथ है, उधर से जो भी आएंगे श्रद्धालु उनके लिए उधर ही पार्किंग की व्यवस्था है। वो साइड से आएंगे NH 98 से, उनके लिए उधर ही पार्किंग की व्यवस्था, मतलब पट्टा से जी। और आगे से इधर से आएंगे उसके लिए उस साइड में ही पार्किंग की व्यवस्था है जी। यहाँ बैठने का व्यवस्था हो गया, सब दिख रहे हैं, काम लगा हुआ है। 10 तारीख तक 11 तारीख तक मेरा पंडाल फाइनल हो जाएगा। प्लस जो भी आएंगे बाहर से, पटना से या पटना के बाहर श्रद्धालु, उनके लिए शिविर की व्यवस्था है। भंडारा प्रसाद नितिन है, और महिलाएं जो आएंगी कथा सुनने के लिए, उनके खूब बैठने की अच्छा व्यवस्था है, कूलर है गर्मी के लिए, रहने के लिए जो बाहर से जो नहीं जा सकते उनके लिए शिविर की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, अच्छा पेयजल की व्यवस्था है जी। जैसा कि अभी गर्मी का मौसम है, तो यहाँ पर जो जो श्रद्धालुगण आएंगे, जो भक्तगण आएंगे, तो उनके लिए जैसा कि मालूम है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ कूलर की व्यवस्था की गई है। काफ़ी संख्या में कूलर की व्यवस्था है, पंखा का व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पीने का पानी का व्यवस्था होगा, सब शौचालय का व्यवस्था होगा, वो सब तो व्यवस्था तो मतलब ये तो आम बात है। हाँ, ये तो आम बात है, सब व्यवस्था रह गया है। उसके अलावा आपका चिकित्सा का व्यवस्था है जी, ये सबसे बड़ी बात है। क्या व्यवस्था है उनका, चिकित्सा का व्यवस्था है, और कुछ स्वास्थ्य केंद्र मेरा जगह जगह बनाया गया है, अगर कोई अगर आए तो कहाँ पे पार्किंग करना है, कहाँ पे है, ये सब का व्यवस्था है। यहाँ सारे वॉलंटियर यहाँ मौजूद रहेंगे, सब अपने अपने जगह पर। और अगल बगल के गाँव से इतना सहयोग मिल रहा है, और तरेत पाली मठ ये पौराणिक मठ है जी, ये भी चर्चा का भी। तो ये क्यों फेमस है तरेत, पहले से ये पुराना, ये लगभग 100-200 साल पुराना मठ है ये जी, राघवेंद्र सरकार का है जी। सौभाग्य है कि यहाँ राम कथा उनके प्रांगण में हो रहा है जी 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 जी। बहुत पुराना मठ है जी, कथा चलते आप लोग ये अभी जाने लगे, बहुत पुराना मठ है, यहाँ एक से एक ऐतिहासिक कहानी है। धन्यवाद सर जी। मैडम, आप यहाँ पर ये यहाँ पर आए हुए हैं, आप यहाँ पर देख रेख, आपके देख रेख में यहाँ पर हो रही है, तो कृपया अपना परिचय पहले बताएंगे कि? अर्चना राय भट्ट, श्री बागेश्वर विहार फाउंडेशन महिला प्रमुख, और इसके सचिव हैं श्री राजशेखर जी, अध्यक्ष हैं के शाश्वत जी, और पूरी कमेटी, यहाँ सारे कमेटी के लोग उपस्थित हैं, और पूरी कमेटी के संरक्षण में इस कथा का आयोजन हो रहा है, और मैं एक छोटी सी सेवादार हूँ जो अपना कार्य कर रही हूँ जी। यहाँ लगभग व्यवस्था में पैसा में सारे लोग अपने अपने योगदान दे रहे हैं, आप भी उसमें योगदान आप दे रही हैं, यह देख कर अच्छा लगा कि आप मतलब कि उन श्रद्धालु के लिए काफ़ी यहाँ पर प्रयासरत हैं कि जितना ज़्यादा ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम ये हो सके। देखिए, महिला श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये कथा श्रवण का आयोजन है, और महिलाओं की सहभागिता भूमिका इसमें ज़्यादा होती है, तो मैं एक महिला सेवादार के नाते क्यों पीछे रहूं? जरूर, एक ही कामना है, सर्वबाधा प्रस्मनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमसम द्वैरी विनाशनम जी। ए, ए, इसका अर्थात क्या? इसका अर्थात है कि जो आयोजन होने जा रहा है, अगर कोई बाधा है, कोई विघ्न है, तो उस विघ्न को माँ दुर्गा उसे दूर करे, ऐसी माता दुर्गा से प्रार्थना है जी। धन्यवाद मैम।